नेवर गिव अप कब तक? जब तक डायमंड ना मिले। कब तक? जब तक क्या ना हो जाओ डायमंड ना मिले। समझ आ गया? बस एक बार डायमंड हो गया ना, फिर उसके बाद अपने आप ही हो गया, क्योंकि एक नशा है, पैसा भी एक नशा है। समझ आ रहा है? नशा है, इसलिए इस नशे से बस थोड़ा सा अपने आप को पहले आदमी बना दो, उसके बाद आपकी मजबूरी हो जाएगी पैसा कमाना। समझ आया नहीं? फिर आप दूसरों को देखो, अरे उसके पास ये गाड़ी आ गया, मेरे पास भी आना चाहिए, उसका बच्चा इतने अच्छे स्कूल में चला गया, मेरा भी जाना चाहिए, उसकी बीवी के पास ये सोने का लेना है, मेरी बीवी के पास लोन, फिर वो कॉम्पिटिशन आता है। समझ आया नहीं? नेक्स्ट, रुकना नहीं है भाई। और आखिरी आखिरी स्लाइड, भूख लग रही है? भूख लग रही है? मुझे हाँ जैसा सुनाई दे रही है। कई ईमानदार लोग होते हैं बीच में, बोले सर ने बोला कि हम तो घर के आदमी हैं, अब घर से आप घर के आदमी से शर्माना कैसे? क्यों? और लगी है नहीं लगी है? लगी है? लगी तो है। देखो समय होता है हर चीज का, मैंने भी बताया ना, तो अभी बस लास्ट स्लाइड है, बस इस पे आपको ध्यान दो, ठीक है? तो डायमंड बनने के लिए आवश्यक कितनी बातें? पहले ये बताओ डायमंड बनना है कि नहीं बनना? बनना है। तो भैया हम तो बोले बनना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती दिखवा रहे हैं, बनना है ना? इससे हमारे घर में कई बार मेहमान आता है तो मुझसे पूछते हैं, हाँ भाई नॉनवेज खा लोगे? पता चला ना नॉनवेज बनाया उसे खाया है। समझ आ गया? तो डायमंड बनना है पक्का? देखो भैया अगर डायमंड बनना चाहते हो तो सात बातें हैं जो उस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला एक निष्ठा, एक निष्ठा। समझ आया क्या? एक फोकस। समझ आ रहा है क्या? अपने आप से कमिटमेंट। समझ आ रहा है क्या? कितने लोग हैं जो करते हैं? डर रहे हैं ना पक्का? डर खुद के ऊपर पूर्ण विश्वास। कितने लोगों पर? पक्का है? बस नहीं बोला, मैं समझाता हूं। पक्का है? यस सर। सच में? यस सर। दुनिया में ही हवा सकती है। आज तक किसी ने किसी को गिराया नहीं है, आज तक किसी ने किसी को भड़काया नहीं है। अरे साला मेरे को भड़का रहे हैं, मेरे कान भर रहे हैं, तो भैया गलती तो मेरी है ना, मैं सुन रहा हूं। समझा रहे नहीं? तो ये याद रखिए कि अगर आप इस बिजनेस में विश्वास होना, कामयाब होना है तो अपने ऊपर क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। समझ आ गया? अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं तो मेरे दोस्त भी उसकी सफलता उसके पास। अपने ऊपर विश्वास कर। कितने लोग करेंगे आज की बात? बन सकते हो आप, बन सकते हो आप, टैलेंट बन सकते हो आप, अमीर बन सकते हो। इसने कहा आपके जीवन में पैसा नहीं है। अगर आपने सेल शॉप जैसी महान कंपनी में कदम रख दिया तो समझो आप खजाने के बिल्कुल करीब हो, बस उस खजाने की खुदाई करना पड़ेगा। समझ आया नहीं? औजार तेज बार बार करने पड़ेंगे आपको, कदम कदम पर तैयार करने पड़ेंगे। करोगे? तो अपने ऊपर क्या रखना है? पूर्ण विश्वास रखना। कई बार ना सेल्फ डाउट ही आदमी को मार देता है, सेल्फ डाउट, उसी में आदमी मर जाता है। एक कहानी सुनाओ, कहानी में मजा आता है, मैंने पहले भी सुनाई होगी अगर अभी किसी को याद आ जाए। एक बार क्या होता है, तीन चार दोस्त होते, सभी लोग ध्यान देना, पूछूंगा बीच में, ठीक है? एक बार क्या होता है, तीन चार दोस्त होते हैं किसी गांव में, तो उनकी आपस में ना शर्त लगी कि कौन ज्यादा बहादुर है। समझ आया? बहादुर कौन है? तो पहले होता क्या था, ऐसी शर्तें लगती थी, एंटरटेनमेंट के साधन तो थे, तो शर्तों के माध्यम से ही एंटरटेनमेंट हुआ करता। तो भैया सबने बोला कि मैं बहादुर हूं, मैं बहादुर हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं किसी से भी डरता। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई गांव में एक शमशान घाट है। क्या है? शमशान। शमशान तो वहां क्या करना है, जो वहां पे रात को 12 बजे जाएगा उसको हम बहादुर मान लेंगे। तो जो बाकी के तीन दोस्त थे उनकी तो हालत पतली,
एक आदमी ने बोला भाई मैं जाऊंगा, मैं तो बहादुर हूं, उसको जाना ही था भाई, दिखाना है कि भाई दोस्तों को खड़ा कि अपने आप को भाई मैं हूं, मैं किसी से नहीं डरता भाई। ठीक है, दिन डिसाइड हो गया कि किस दिन जाएंगे। फिर जब गया कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो उन लोगों ने क्या किया, उस आदमी को कुछ निशानी के तौर पे एक झंडा जैसा कि रात को 12 बजे के वहां जाएगा और इसको वहां पे गाड़ कर आए। ठीक है, समझ लो बात। तो सारी चीजें फाइनल होगी। वो तीन दोस्त उसको देख रहे हैं कि हाँ भाई रात निकला 12 बजे रात को, चलो ठीक है, वो देख रहे हैं उसको निकल गया। अब जब वो निकला वो वापिस ही नहीं आया, वो वापिस ही नहीं आया। हुआ ये कि जब वो वहां पे उस खूंटी को गाड़ रहा था, ठीक है, गाड़ रहा था, होता क्या ना पहले के जमाने में ना कुर्ता पजामा पहनते थे लोग, धोती कुर्ता पजामा, हमारे गांव में कुर्ता पजामा होता है वो पहनते। तो जब वो गाड़ रहा था जो कुर्ते का जो पल्ला होता है जैसे औरतें पहनती है ना, वो नीचे आ गया, खूंटी जो है उस पे, समझ आया क्या? उसको लगा जैसे उठा खूंटी में फंस गया कुर्ता, उसको लगा मुझे किसी ने खींच लिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा? बस वही देर हुई उसके प्राण वहीं निकल गए, समझ आ रहा क्या? उसको किसी ने नहीं मारा, उसको उसके खुद के डर ने मारा, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यार इस बिजनेस में कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी को नहीं हरा रहा है, इस बिजनेस में हम खुद ही खुद को हरा रहे हैं। इस जीवन में हमारा खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, हम खुद हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो कहीं आदमी को स्कूटी पर ना ठोक दिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो गया? तो अपने ऊपर क्या करना है, पूर्ण विश्वास करना। नेक्स्ट, कंपनी पर है विश्वास। मैंने कई बार लोगों को देखा डरते हुए, अगर एक दो दिन ईसीएस डिले हो जाए ना, एक दो दिन अगर चेक नहीं आते खाते में, तो लोगों को टेंशन हो जाती है कंपनी सोच के, सही कह रहा हूं, सोच ले यार इतने कम दिन वाले आदमी क्या कभी रईस बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। विश्वास करना पड़ेगा यार। अरे मैं तो आज उस उन लोगों के लिए हैरान हूं, सहारा इंडिया उसका जो प्रमुख है वो अंदर जेल में है, लेकिन उसके जो बंदे हैं वो अभी भी काम कर रहे मार्केट में, विश्वास है ना? राम रहीम अंदर था जेल में, लेकिन उसके जो अनुयायी थे वो उसके गुणगान में लगे हुए, कई नेता लोग अंदर, आसाराम बाबा अंदर है, लेकिन अभी भी उनके चेले हैं वो उनकी गुणगान कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनको विश्वास है, विश्वास है, विश्वास, जहां विश्वास है वो उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी ताकत अगर दुनिया में कोई है वो है विश्वास। किसी भी चीज को मानना ना मानना वो विश्वास है, समझ आ रहा क्या? तो आज आप जो कुछ है अपने विश्वास की वजह से, अपनी वजह से। अगर आप गरीब हैं तो अपनी वजह से, अपने विश्वास की वजह से। अगर आप अमीर हैं तब भी आप अपने विश्वास की वजह से। हम लोग आज पैसा कमा रहे हैं, हमने विश्वास किया था कभी, आज 14 साल पहले विश्वास किया था कि अभी कभी ऐसा जीवन हमारा हम लोग देख पाएंगे, और आज हुआ। तो विश्वास करना पड़ेगा खुद पर, विश्वास करना पड़ेगा कंपनी पर। नेक्स्ट, विश्वास करना पड़ेगा, कई लोग अपलाइन के दुश्मन मान बैठे, इसलिए ध्यान देना है, कामयाब होना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा अपलाइन पर, वही तो उंगली पकड़ के आपको सफलता के शिखर तक लेकर जाएगा। और सिस्टम का, लोग सिस्टम की ताकत को नहीं समझते, सोच रहे कि सिस्टम क्या करेगा आपके लिए। अभी आप लोगों के लिए इतने आसान टारगेट दिए, बस इसी को तो समझना है। सिस्टम जो आपके लिए कर रहा है कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आपका काम क्या है? हमारा काम था आपके लिए टारगेट मुहैया करवाना, अब आपका काम क्या है?
टारगेट जीतना, ताकि सिस्टम को भी लगेगा कि नहीं जो हमने दिया वो उन लोगों को भी अच्छा लगा। समझ आया? तो सिस्टम का सहयोग करना है। नेक्स्ट, हमेशा जो मनीष शर्मा ने बात कही कि डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। अनुशासन फौज में क्या चलता मालूम? फौज में अनुशासन चलता है। फौज में सिर्फ और सिर्फ अनुशासन चलता है, और यही अनुशासन उनको सबसे ऊपर की श्रेणी में लाता है। और इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो अनुशासन पे आपको रहना पड़ेगा। अगला लास्ट, समस्याओं से ज्यादा अपने सपनों। थोड़ा जोर से बोलो राजेश, क्या है? समस्याओं से ज्यादा अपने सपनों पर फोकस करना। लोग समस्याओं से घिरे हुए, समस्याएं नहीं देख रही है, हमें अपने सपने देखने। समस्या तो भैया पता है भैया चलेगी, चाहे बिजनेस करोगे तब भी रहेगी, चाहे नहीं करोगे तब भी रहेगी, चाहे पैसा कमाओगे तब भी प्रॉब्लम है, चाहे पैसा नहीं कमाओगे तब भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जिंदगी के साथ रहेगी। समझ आ रही है? प्रॉब्लम जिंदगी के साथ चलती रहेगी, जब तक जिंदा रहोगे दिक्कतें आती रहेगी। मैंने ये बात बहुत पहले भी कही थी आप लोगों से, जब तक जिंदा रहोगे ना, जिंदा रहोगे तब तक तकलीफें रहेंगी। अगर हम जिंदा हैं तो सुई भी चुभेगी, कांटा भी चुभेगा, आग से जल भी जाओगे, गिरोगे तो चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, सब चीज होगा। लेकिन अगर मर गए ना, तो चाहे जला दिए जाओ चाहे दफन कर दिए जाओ, आहा वो कुछ नहीं आएगा। आएगा क्या? कोई बोलेगा मेरे मरने के बाद आहा निकलेगी? नहीं आते भाई। जिंदा रहोगे तो दर्दें चालू रहेंगी, मर गए तो भी सब चीज खत्म। तो वही चीज बता रहा हूं कि जब बिजनेस में हो तब भी तकलीफें हैं, बिजनेस में नहीं हो तब भी तकलीफें हैं। तकलीफें जीते जी आपके साथ रहेंगी, आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। बस आपको यह ध्यान देना है कि मुझे समस्याओं से ज्यादा किस पर फोकस करना है, किस पर फोकस करना है। देखो हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण की शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है। समझ आ रहा है? आप जिस चीज के बारे में सोचोगे ना वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होगी। समझ आ गया? एक चीज मैं बता रहा हूं, हम लोग एक गेम खेलते थे स्कूल में, एक पेन पकड़ते थे, बंद को ऐसे खाते थे, ऐसे घुमाते थे गोल गोल, याद है? ऐसे गोल गोल घुमाते थे बंद, ऐसे थोड़ी देर उसके मेरी आंखें घूम गई ऐसे। समझ आ रहा है? कभी आपने देखा कोई चीज घूम रही होगी, आपने उसको देखते जाना, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि आपका दिमाग वहीं घूम रहा है। समझ आ रहा है? आप जिस चीज में ज्यादा ध्यान लगाओगे वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका जो शरीर है, आपकी बॉडी के जितने भी जो सेंसेस हैं वो वैसा ही काम करना शुरू करते हैं। समझ आ रहा है? वैसा ही काम करना शुरू करते हैं। घूम हो रहा है आपका, हम ही घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अगर ध्यान समस्याओं पे है तो फिर जीवन में समस्याएं रहेंगी, अगर ध्यान सपनों पर है तो जिंदगी में सिर्फ सपने पूरे होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूं 2023 हम लोग कहां से शुरू करेंगे? सच में? लेकिन उसके लिए सारी बातों का एक ही तोड़ मैं अंत में बता रहा हूं, जितनी भी सारी बातें मैंने बताई सब चीज का एक ही तोड़ है जो मैंने सबसे पहले आके शुरू किया था। वो क्या था मालूम? बाकी बराती है दूल्हा तो प्रोग्राम तो मेरा ही है, मैं ही लेकर जाऊंगा जो लेकर जाऊंगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये सारी बातें तो मेरे लिए हैं, बाकी तो क्या है? बाराती है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भैया अगर आप बाराती बन गए दूल्हा तो दुल्हन को और हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।